उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस ने एक ऐसे केस की गुत्थी सुलझाई है जो पुलिस की फाइलों में बंद पड़ी थी। शाहजहांपुर जिले के एक युवक की 2.5 साल से दर्ज गुमशुदी के मामले की पुलिस ने गहराई से जांच की और उनमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला गुमशुदी के बजाय ससुर द्वारा बेटी दामाद की हत्या का निकला। बेटी के जेवर के लिए ससुर ने अपने दामाद की हत्या करके उसके शव को बोरे में भरकर रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। साहब दामाद मेरे यहाँ आया था, उसने रात में फांसी लगा ली। हमने उसे उतार लिया 4 बजे, पता लगा लिया। फिर पुलिस के डर की वजह से फिर टांग दिया, सूचना कर देंगे। फिर सोचा दो निशान बन गए, उसे उतार कर और छुपा लिया। फिर रात में रेलवे लाइन के ऊपर 3 आदमी डाल के आए, हम 3 आदमी रेलवे लाइन पर। फिर उसके बाद फिर हम 2-4 दिन घर रहे, फिर बाहर चले गए। बाहर 10-12 दिन बाहर रहे, फिर लड़की कहने लगी कि हमारा, पहले तो कहा नहीं, फिर कहने लगी हमें आदमी चाहिए और नहीं तो हम सबको कबूलेंगे। जो थे उन, जो नहीं थे उनको सबको। तब लालू भी थे उसमें मिट्टी डलवाने में, लालू फिर आए तो लालू उनका ऐसे मार दें। तो फिर हम लोगों ने गला दबा कर रहे उधरनपुर के उत्तर। दोनों के शव को पुलिस ने अज्ञात मानकर अंतिम संस्कार भी कर दिया था, लेकिन 2.5 साल पुराने गुमशुदगी के मामले का जब खुलासा हुआ तब दोनों अज्ञात शव का राज जानकर पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि ससुर ने अपनी बेटी के जेवर की खातिर अपने दामाद और बेटी का कत्ल कर दिया था। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया कि हरदोई की शाहबाद कोतवाली पुलिस ने राम लड़ैते लालू और राजेंद्र को 2.5 साल पुराने एक गुमशुदगी के मामले में गिरफ्तार किया है जो पुलिस फाइलों में कैद होकर रह गया था। पुलिस की जांच में गुमशुदगी का मामला एक नहीं 2 हत्याओं का निकला। से 2.5 वर्ष पूर्व एक दिलीप नाम का युवक जो शाहजहांपुर जनपद का रहने वाला था, ये अपने घर से गायब था और इसका उसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ। और इस केस की जब गहन समीक्षा की गई, जो कि ऑलरेडी 2.5 साल से ये घटना हो चुकी थी, और इसमें SHO शाहबाद और CO शाहबाद की टीम ने एडिशनल SP वेस्ट के निर्देशन में ये खुलासा किया है कि 2.5 वर्ष पूर्व ये व्यक्ति अपने ससुराल में जाता है। वहाँ ससुराल में जाने के बाद ये गायब हो जाता है, इसके परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, बहुत दिनों तक उनको पता नहीं चल पाता है। उसके कुछ समय बाद ही इसकी रहस्यमय तरीके से इसकी पत्नी भी गायब हो जाती है और जो उसका छोटा 8 माह का बच्चा था उसका भी पता नहीं चलता है। ये केस रजिस्टर होने के बाद काफ़ी दिनों तक इसमें कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद अब जो खुलासा हुआ है, मैं आपको डिटेल में बता दूं कि घटना पर इस प्रकार से निकल के आई है कि जो दिलीप नाम का युवक है ये अपने ससुराल में गया, वहाँ इसके ससुर के साथ में जेवरात को अपने पास रखने को लेके इसके ससुर और उनके सालों ने इसके साथ मारपीट की। मारपीट करने में ये बेहोश हो गया और उनको लगा कि ये बेहोश होने के बाद जब ज़्यादा मारपीट हो गई तो उनको लगा कि ये मर भी गया है, और उसके बाद ये लोग उसको रेलवे ट्रैक पे ले जाके एक बोरे में भर के अपने साथियों के साथ में उसको डाल आते हैं। पुलिस को वो डेड बॉडी मिलती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। साथ ही 15 दिन बाद जब उसकी बेटी को ये महसूस होता है कि इन्होंने जो किया है गलत किया है, हालांकि उन्होंने समझाने का उसको प्रयास किया था लेकिन वो नहीं उसको समझी, और उसने 15 दिन बाद जब ये बात कहनी शुरू की कि मैं पुलिस को इस बारे में बता दूंगी, तो इन लोगों ने अपनी सगी बेटी को भी एक पासी के खेत में ले जाके वहाँ उसको भी मार दिया गला दबा के, और उसको भी ईंट से उसके चेहरे को इस प्रकार से कूच दिया जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। उसकी भी डेड बॉडी पुलिस रिकवर करती है और उस जो आइडेंटिफाई उस समय नहीं हो पाई थी उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, UP तक।